नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया, लॉकडाउन में फंसे प्रवासी कामगारों और छात्रों से नहीं लिया जा रहा है रेल किराया। राज्य सरकार ने कहा, बिहार में कोई जिला नहीं होगा ग्रीन जोन में, 5 जिले मुंगेर, पटना, रोहतास, गया और बक्सर रेड जोन में, बाकी बचे 33 जिले ऑरेंज जोन में। प्रदेश में आज कोविड 19 के 11 नए मामले सामने आए, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 528 हुई, समस्तीपुर जिला भी संक्रमण की चपेट में। और कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए नियोजित माध्यमिक शिक्षकों ने हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौटने का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन में फंसे प्रवासी कामगारों और छात्रों से रेल किराया नहीं लिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि रेल किराया का 85% हिस्सा केंद्र सरकार जबकि 15% राज्य सरकारें वहन कर रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या रेलवेज हो, किसी भी कोशिश में हमने कभी भी कोई भी वर्कर से चार्ज करने की बात नहीं की है। हमने 85% जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर किया जाता है, वह 85% जो है वो रेलवेज बियर करती हैं, 15% स्टेट को बियर करना है। जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है कि जो कुछ लिमिटेड पैसेंजर्स, जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स है, माइग्रेंट लेबरर्स है, जिनको लिमिटेड लोगों को लेके जाना है फॉर सम वेरी पर्टिकुलर रीजन, उसको स्टेट गवर्नमेंट उसी तहत में कोऑर्डिनेट भी कर रही है, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 स्टेट। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है कि श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से आने वाले प्रवासी मजदूरों का रेल किराया समेत अन्य खर्च राज्य सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि क्वारंटीन सेंटर में 21 दिनों के प्रवास के बाद उन्हें यह राशि दी जाएगी। 21 दिन तक रहने के बाद जब वो निकलेंगे तो उस समय उनको जहां फंसे हुए थे जिस राज्य में, वहां से यहां आने में जितना भी पैसा लगा, रेल का भाड़ा या अन्य प्रकार से उनको पैसा लगा वो, और उसके अलावे 500 रूपया और राज्य सरकार उनको देगी और मिनिमम 1000 रूपया हर व्यक्ति को जो बाहर से आए उनको दिया जाएगा। श्री कुमार ने प्रवासी लोगों को ट्रेन से उनके गृह राज्य भेजे जाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए एक बार फिर धन्यवाद दिया। इधर बिहार लौटे प्रवासी श्रमिकों ने राज्य वापसी पर प्रसन्नता जताते हुए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग को अच्छा से हम लोग को बिहार बुलाया, हम लोग को कुछ दिक्कतें नहीं हुआ। सबको धन्यवाद देते हैं कि मतलब आने में दिक्कत कुछ नहीं हुआ, सब अच्छा से आ गए। सरकार का धन्यवाद कहेगा, इतना सरकार हम लोग कर दिया तो धन्यवाद सरकार के कहेगा ना। देश के विभिन्न हिस्सों से कामगारों और छात्रों के साथ साथ अन्य लोगों को लेकर प्रतिदिन राज्य के अलग अलग स्टेशनों पर 8 से 10 ट्रेनें आएंगी। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि कोटा से प्रतिदिन एक ट्रेन का संचालन होगा। उन्होंने बताया कि आज कोटा से खुली ट्रेनें बेगूसराय और गया स्टेशन पहुंची, जिससे 994 छात्र आए हैं। वहीं श्रमिकों को लेकर एक एक ट्रेन केरल के त्रिशूर और एर्णाकुलम से दानापुर स्टेशन पहुंची है। उन्होंने बताया कि कल कोटा से एक ट्रेन दरभंगा पहुंचेगी, वहीं त्रिशूर से भी एक ट्रेन दरभंगा आएगी। अहमदाबाद और एर्णाकुलम से एक एक ट्रेन कल मुजफ्फरपुर आएगी। दूसरी तरफ कन्नूर से सहरसा, कोझिकोड से कटिहार, एर्णाकुलम से बरौनी तथा बेंगलुरु से दानापुर भी कल एक एक ट्रेन आएगी। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि 17 मई तक सभी प्रकार की रेल यात्री सेवाओं पर रोक है। विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर अभी प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य फंसे हुए लोगों को लाने के लिए कुछ विशेष रेलगाड़ियां राज्य सरकारों के अनुरोध पर चलाई जा रही हैं। रेलवे केवल उन्हीं यात्रियों को स्वीकार कर रहा है जिनके लिए राज्य सरकारों ने सूची उपलब्ध कराई है। किसी अन्य यात्री या व्यक्ति को यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन आने की अनुमति नहीं है और न ही किसी स्टेशन पर टिकट बेचे जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक बार फिर कहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच ट्रक और मालवाहक गाड़ियों के परिवहन पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि सामानों के परिवहन से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के तरण कक्ष से संपर्क किया जा सकता है।
सभी वाहन चालकों को बताना चाहूंगी कि अगर उन्हें अंतर्राज्यीय आवाजाही में कोई भी समस्या आती है तो वे टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। अगर वे नेशनल हाईवे पर हैं तो वे NHAI के हेल्पलाइन नंबर 1033-1033 पर सहायता के लिए कॉल कर सकते हैं। कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए पूर्णबंदी का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने आज से लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए बढ़ाने और कम जोखिम वाले जिलों में पर्याप्त छूट देने की घोषणा की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 700 जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन क्षेत्रों में विभाजित किया है। एक रिपोर्ट। संपूर्ण बंदी के तीसरे चरण में देश के हर जोन में हवाई, रेल, मेट्रो और अंतर्राज्यीय परिचालन पर रोक रहेगी। स्कूल और शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। हालांकि कृषि से जुड़े सभी कार्यों की अनुमति जारी रहेगी। ग्रामीण भारत में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट भट्टे शामिल हैं सुचारू रूप से कार्य कर सकेंगे। सड़क मार्ग से माल यातायात पर भी कोई रोक नहीं है। अस्पतालों में सामान्य OPD और डॉक्टरों के क्लिनिक भी अब खोले जा सकेंगे। कुल मिलाकर लॉकडाउन का यह तीसरा चरण लोगों के लिए काफी रियायतें लेकर आ रहा है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इधर बिहार सरकार ने सभी जिलों को सिर्फ रेड और ऑरेंज जोन में बांटा है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि बिहार में कोई भी जिला ग्रीन जोन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नए इलाकों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों और छात्रों के प्रवेश को देखते हुए ये फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि रेड जोन में आने वाले 5 जिले मुंगेर, पटना, रोहतास, गया और बक्सर में केंद्र सरकार के द्वारा पूर्व में निर्गत आदेश ही लागू रहेंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी अन्य प्रकार की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। वहीं ऑरेंज जोन में आने वाले 33 जिलों में सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स सेवा, निर्माण कार्य, उद्योग धंधे तथा बाल काटने की दुकानें, स्पा और सैलून को भी खोलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है कि वे आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य दुकानों को खोलने के संबंध में निर्णय लें। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में अपर मुख्य सचिव ने बताया कि एक दूसरे जिले के बीच आवागमन के लिए जिलाधिकारी को पास निर्गत करने का आदेश दिया गया है। पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने लोगों से लॉकडाउन के तीसरे चरण में विशेष एहतियात बरतने को कहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में इस चरण के तहत विशेष छूट नहीं मिली है। आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है, केवल ऑरेंज जोन में कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कुछ सरकारी कामकाज के लिए अलाउ किया गया है। विशेष परिस्थिति में कुछ दुकानें खोलने का संबंधित जिला प्रशासन निर्णय ले सकता है। बाकी कोई दुकान नहीं खुलेगा, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेगा, कोई मॉल नहीं खुलेगा, कोई सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा, स्कूल कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में आज कोविड 19 के 11 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 528 हो गई है। आज मधुबनी से 5, कैमूर से 2, पश्चिम चंपारण तथा समस्तीपुर से 1-1 मामला सामने आया है। राज्य में अब तक 129 लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 4 लोगों की मौत हुई है। समस्तीपुर जिले में संक्रमण का मामला सामने आने के साथ ही अब इस महामारी की चपेट में 32 जिले आ चुके हैं। हमारे समस्तीपुर संवाददाता ने बताया कि दिल्ली से लौटे 25 वर्षीय युवक में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वह दलसिंहसराय के क्वारंटीन केंद्र में रह रहा था। इधर देश भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 42,836 हो गई है। इनमें 11,762 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं जबकि 1,389 लोगों की मृत्यु हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोविड 19 से मरीजों के ठीक होने की दर 26% से ऊपर हो गई है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे लॉकडाउन की बढ़ी हुई अवधि के दौरान सभी दिशा निर्देशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करें क्योंकि तभी हम कोरोना को फैलने से रोक पाएंगे। नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MK सेन ने लोगों से लॉकडाउन के तीसरे चरण के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
ये घड़ी एक परीक्षा की घड़ी है। ये वक्त हमें और भी अधिक मात्रा में संयम और सुरक्षा और अनुशासन, ये चीजों का ध्यान में रखना है। जो लॉकडाउन के मूल मंत्र हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग हुआ या स्वच्छता, क्लीनलीनेस, यूज ऑफ मास्क, हैंड वॉशिंग, बाकी जो भी चीजें बतलाई जाती है आमतौर पे, इसको हमें निरंतर इसका पालन हमें करते रहना होगा लॉकडाउन 3 के दौरान भी। सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी लोगों से परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सभी वर्ग के, सभी उम्र के लोग अपने अपने घर में रुकें, यही तो सच्ची देशभक्ति है। तो आइए अपने परिवार को वो खुशनुमा पल दीजिए, घर में रहिए और कोरोना को घर से बाहर रखिए। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों के रहने के लिए प्रखंड मुख्यालयों में क्वारंटीन केंद्र बनाए गए हैं, जहां खाने पीने से लेकर हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों पर जो व्यक्ति खुद खाना बनाएंगे उसके एवज में सरकार भुगतान करेगी। श्री अमृत ने कहा कि बच्चों के लिए दूध की भी व्यवस्था की गई है, साथ ही लोगों को कपड़े और बर्तन भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे से इन केंद्रों में रहने वाले लोगों की निगरानी हो रही है। इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि क्वारंटीन सेंटर पर ही लोगों का मनरेगा जॉब कार्ड बनवाया जाएगा और उन्हें योजना के तहत काम उपलब्ध कराए जाएंगे। जो मजदूर हमारे आ रहे हैं उनके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने पूरी योजना तैयार कर ली है। 11,000 जो हमारे मजदूर आए हैं उनको हमने जॉब कार्ड बनाया है, और जो अभी मजदूर आ रहे हैं वो जहां पर टिकेंगे पर जाकर के उनका जॉब कार्ड का निर्माण कराएंगे, और अगर वो काम चाहेंगे तो काम उनको हम लोग देने का काम करेंगे। तकरीबन 31 लाख योजना हमारी खुली हुई है मनरेगा, और तकरीबन 4 लाख योजना पर हमारा काम हो रहा है, और आज के तारीख में लगभग 8.5 लाख के आसपास मजदूर हमारे काम कर रहे हैं बिहार में। तो निश्चित रूप से जो आएंगे उनके ग्राम पंचायत में उनको काम देंगे। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि में उपलब्ध कराई जा रही सरकारी सहायता पर लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। हमारा नाम है मदन मंडल, जिला समस्तीपुर, गांव बास्तेपुर, मनरेगा तरफ से काम कर रहे हैं, है ना। हमको गैस मिला है, जनधन वाला पैसा मिला है, उसमें अनाज भी वितरण हुआ है, वो भी मिल गया है। मोदी जी के धन्यवाद। मैं रामनाथ पांडे, ग्राम बिंजी, जिला कटिहार का एक किसान हूँ। मुझे किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा मेरे खाते में राशि दिया गया है, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मेरा नाम बीतू कुमार है, मैं जहांगीरपुर बंजरिया का रहने वाला हूँ। मुझे राशन मिला है और पैसा 1,000 रूपए मिला है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जय से धन्यवाद। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों का खंडन किया है कि सरकार ने जीएसटी की वापसी के अनुरोध को ऑनलाइन निपटाने की प्रक्रिया शुरू की है। बोर्ड ने इस तरह की खबरों को फर्जी बताते हुए कहा कि करदाता इस तरह के किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए वर्ष 2020 के लिए सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग 20 मई को परीक्षा की नई तिथि की घोषणा करेगा। इससे पहले सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 31 मई को आयोजित होनी थी। कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए नियोजित माध्यमिक शिक्षकों ने हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौटने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने बताया कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत के बाद हड़ताल समाप्त करने पर सहमति बनी। उन्होंने बताया कि सरकार नो वर्क नो पे के सिद्धांत के अनुरूप हड़ताल की अवधि को छुट्टियों में समंजित करेगी। उन्होंने बताया कि समंजन के बाद ही हड़ताल की अवधि का भुगतान किया जाएगा। श्री महाजन ने कहा कि शिक्षकों पर की गई अनुशासनिक कार्रवाई को वापस लिया जाएगा, हालांकि तोड़फोड़ और हिंसा के मामले वापस नहीं लिए जाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया, लॉकडाउन में फंसे प्रवासी कामगारों और छात्रों से नहीं लिया जा रहा है रेल किराया। राज्य सरकार ने कहा, बिहार में कोई जिला नहीं होगा ग्रीन जोन में। 5 जिले मुंगेर, पटना, रोहतास, गया और बक्सर रेड जोन में, बाकी बचे 33 जिले ऑरेंज जोन में।
प्रदेश में आज कोविड 19 के 11 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 528 हुई। समस्तीपुर जिला भी संक्रमण की चपेट में। और कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए नियोजित माध्यमिक शिक्षकों ने हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौटने का फैसला किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।